आज हम ड्राइंग करेंगे। फिर स्टार्ट करते हैं आज की ड्राइंग। आज की ड्राइंग बहुत ही सिंपल है। कोकोनट ये टू कर्व लाइन है। अब आप सोच रहे होंगे कि टू कर्व लाइन किस लिए। कोकोनट ट्री जो है हमारा वो बिल्कुल पास में है, मतलब बिल्कुल नियर से वो हमें दिख रहा है। इसलिए टू लाइन कोकोनट ट्री में हम थोड़ी सी डिटेलिंग करेंगे आज। ये कोकोनट ट्री है। यहाँ से कोकोनट ट्री का हम कोकोनट ट्री जब हमारा बिल्कुल नियर से दिख रहा है तो उससे थोड़ी सी डिटेलिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टार्टिंग में इस तरह से होता है और ये यहाँ से यही लीफ यहाँ मोड़ कर इस तरह से आया है। यहाँ पे भी इससे पहले आपने जितने भी कोकोनट ट्री बनाए हैं कहीं में भी किसी में भी इतनी डिटेलिंग उसमें नहीं थी। बहुत ही ध्यान से देखना, इजी है, समझने पर है। आप लोगों को समझना है। कोकोनट ट्री का लीफ से कलर करेंगे तो फिर लीफ का और भी ज़्यादा डिटेलिंग देंगे। बच्चों देखो, ये है हमारा आज का कोकोनट ट्री। इसकी डिटेलिंग, इसके लाइंस होते हैं। अभी आप इस तरह से ही बनाओगे। हम जब इस पे कलर करेंगे, लाइंस किस तरह से दे रही हूँ मैं बहुत ध्यान से।
लैंड के लिए अगेन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए हम इस तरह से लैंड है और अब मैं आप लोगों को कलर बताती हूँ। कलर बहुत ही सिंपल है। ब्राउन का सेट हमें तीनों सेट चाहिए। ये येलो ग्रे है, ब्राउन, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन। अब हमने लाइट ब्लू लिया, इसे मिक्स करते हुए पूरे स्काई को के लिए कोबाल्ट ब्लू मैंने लिया है। स्काई ब्लू कलर लेंगे। टॉप पे येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, एंड में डार्क ग्रीन। हमारा बैकग्राउंड बेस कलर हो गया है। अब इसके बाद हम कोकोनट ट्री करेंगे। सो कोकोनट ट्री के लिए टॉप पे
येलो ग्रे है ये। डार्क ब्राउन, मैंने डार्क ब्राउन लिया है। सैक्री लिया, अब इसके लीफ बनाएंगे हम। पहले लाइट ग्रीन से हम इस तरह से देंगे। अब इसमें हम डार्क ग्रीन लेंगे, डार्क ग्रीन से
इसी तरह से डार्क ग्रीन से हम इसके लीफ बनाते चल रहे हैं। पहले हमने लाइट ग्रीन से किया, फिर डार्क ग्रीन। थ्री फाइव वन, तो ये हमारी कोकोनट ट्री ऑलमोस्ट डन। कोकोनट ट्री हो गई है, अब हम हमारे बैकग्राउंड पे डिटेलिंग देंगे। सो डार्क ब्लू से ही ड्रीवर की लाइन पे सैप ग्रीन लेंगे और बुशेस बनाएंगे।